सत्ता के नशे में चूर भाजपा नेताओं की दबंगई का मामला आए दिन सामने आता रहता है। बलिया के बेलथरा रोड से बीजेपी विधायक धनंजय कनौजिया ने पीडब्ल्यूडी के चपरासी को सरेआम थप्पड़ जड़ने का आरोप लगाया। चपरासी का कसूर इतना था कि उसने गेस्ट हाउस में कमरे देने में असमर्थता जताई, जिससे गुस्साए बीजेपी विधायक ने चपरासी को थप्पड़ जड़ दिया। वहीं पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में तैनात चौकीदार का कहना है कि विधायक ने जब कमरे की मांग की तो उसने माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सारे कमरे बुक होने की बात कही और विभागीय कमरा देने से इनकार कर दिया। उसके बाद गुस्से में विधायक ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि चौकीदार का कहना है कि उसने अभी कोई भी लिखित शिकायत नहीं की है, पर सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि उसके विभाग के अधिकारी घटना के बाद से मामले की लीपापोती में लगे हैं। धनंजय कनौजिया जी आए थे। अच्छा विधायक जी, क्या हुआ था उस समय? सर हम गेट खोल कर निकल रहे थे, उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि कौन हाथ दिया है। हम बोले सर मैं हाथ नहीं दिया हूँ। उसके बाद हमारे हाथ छोड़ दिए हैं। तो किस बात पे वो नाराज हुए थे? मालूम नहीं सर किस बात पे नाराज हुए, कि हमारे ऊपर ही नाराजगी दिखाई थी। तुम हाथ दिया, हाथ दिया नहीं हो। तो क्या रूम के लिए आए थे क्या वो? हाँ रूम खुलवाने बैठने के लिए। अच्छा तो क्या यहाँ रूम था नहीं था, क्या स्थिति थी? रूम तो क्या बोला तो सर चारों बुकिंग था, वो सर पीडब्ल्यूडी का कार्यालय बना करके लोग रखे हैं हम लोग के। वो रूम तो सर अब हाली खुलता नहीं है, जो कोई आदेश करता था वो खुलता है। बता दें कि बलिया मुख्यालय में मौजूद पीडब्ल्यूडी डाक बंगला न्यायाधीश बलिया के आदेश से 1 जुलाई से 7 जुलाई तक उच्च न्यायालय के जजों और अधिकारियों के लिए बुक है, जिसकी सूचना डाक बंगले के बाहर लगे खंभों पर भी चस्पा की गई है। वहीं वहां मौजूद एक अन्य कर्मचारी का कहना है कि भाजपा विधायक ने कुछ दिनों पहले ही डाक बंगले के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। ऐसा है 4 बजे के करीब विधायक जी आए और उन्होंने रूम मांगा और 1 से 7 तक माननीय उच्च न्यायालय के अधिकारियों के लिए सभी रूम मिला। उसके बाद उन्होंने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई रूम खाली नहीं है। तो फिर हमारे एक्शन को फोन किए, एक्शन जो है हमारे सहायक अभियंता को फोन किए, सहायक अभियंता ने जेई को फोन किया कि भाई कक्ष जो विभागीय कक्ष है उसमें विधायक को बैठा दीजिए। ठीक है तो हम लोगों ने वही रूम खोल कर बैठाने के लिए विधायक जी को इसी में बैठा दिया था। तो आए पर कहे कि चौबे जी जिसका नाम है, तो चौबे जी वहीं पर थे, हम भी वहीं पर थे, रामकेश भी वहीं पर थे। राम के ताला खोलकर बगल में खड़ा हुआ कि विधायक को बैठाया जा, तब तक ये क्या कह रहे भोसड़ी वाले तुम हाथ हमको दिखा रहे हो, और उसको तड़ तक दो छक्के मार। वहीं इस पूरे मामले में जब भाजपा विधायक से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इस घटना के बारे में जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि मामला संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में लिया गया उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। हम कर्मचारियों के साथ अभद्रता ये ठीक नहीं है, ठीक है। और मेरे संज्ञान में अभी आपके द्वारा ले आया गया, मैं भी संज्ञान में लेता हूँ, ठीक है सर। कौन से लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर जनप्रतिनिधियों को देखा जाता है, जो जनता को यह एहसास दिलाते हैं कि आप सुरक्षित हैं। लेकिन देश में जिस तरह जनप्रतिनिधि बल्ले से लेकर कीचड़ तक सरकारी कर्मचारियों पर फेंक रहे हैं, ऐसी घटनाएं जनप्रतिनिधियों के व्यवहार पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट।